कौन सी गोदाम खोद रही है? मैं हूँ चौकस लोग गाइस, लाइन पे लग जाओ नल्लो। तू पैसा लाया पाओ या अमीर लग रही हूँ? बर्थडे खत्म हुआ, अभी बर्थडे शुरू हुआ, क्या हुआ? अभी पूरा दिन है, रात के 12 बजे तक का, अभी शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, फिर बर्थडे खत्म। मेरे तो बर्थडे भी नहीं मनाया, थोड़ा बर्थडे हो ना मेरा, 5 दिन का तो होना चाहिए। मेरा बर्थडे खत्म हो गया गाइस, बहुत दुख की बात है। तो चेक करें गाइस, बर्थडे पे स्पेशल ब्रेकफास्ट हो रही है, रोटी पनीर क्योंकि दूध फट गया था, और चाय। और तीनों भाई बहन देखें दिन के 3 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मम्मी मेरे को केक के कोफ्ते खाने, मम्मी मेरे को उल्लू की टट्टी खानी है, मम्मी मेरे को कुत्ते का बाल खाने में डाल के दे दो, बस अभी यही। तो ईश्वरी दुखी होके सैड होके बैठ गए क्योंकि उनकी फ्रेंड ने उनको बोला कि जा पार्टी शार्टी कर, और वो बोलते कि पार्टी वो क्या होता है, मैं तो घर पे कपड़े पहन के तैयार होके बैठ जाऊंगी। और वो बोलती चल वो भी ठीक है। आज से 3 साल पहले जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, जब मैं गरीब थी तब भी हमने चाय पार्टी की थी पहाड़ के ऊपर जाके। आज तो पहाड़ के ऊपर भी नहीं जा रहे, इस कमरे को वस्तु तैयार कर रही है। चुप करो ना, आपका इनको बहुत दिक्कत है, पता इनको चैन से बैठा नहीं जाता। मैंने बोला आपको सिर्फ एक काम है, तैयार हो जाओ, चिल करो, गाने सुनो, मतलब व्लॉग बनाओ और तैयार हो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। मेरा बर्थडे खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या करेंगे, ये यहाँ जाना भी था। मेरा बर्थडे खत्म हो गया। कहाँ खत्म हुआ आपका बर्थडे? है अरे मैं बोल रही हूँ ना, आप तैयार हो जाओ। तो मैंने नहा लिया और मैंने अपना बर्थडे वाला ड्रेस भी पहन लिया, और मैं बर्फ वाले पानी में मुंह डालने लगी, इससे मेरे स्किन के पोर्स टाइट हो जाएंगे और मैं सुंदर लगूंगी। पानी बहुत ठंडा है, देखो कहीं सुंदर दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। राघव मेरे बर्थडे के लिए कुछ नहीं कर रहा, लेटा हुआ है। चौहू मेरे बर्थडे के लिए कुछ नहीं कर रहा, पर मैं इससे खुश हूँ, आई लव हिम। ये कुछ ना करे, बस ये जिंदा रहे। और वसु मेरे बर्थडे के लिए बहुत कुछ कर रही है और मेरे को अंदर नहीं आने दे रही। वसु फोन से दिखा दूं अंदर क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है। तो अभी मैं मेकअप करने लगी और मैं मेकअप की गेट रेडी विद मी बनाऊंगी, वो मैं अपने शॉर्ट्स चैनल में डाल दूंगी, तो वो अब देख लेना ठीक है। तो राजू का मेकअप चोरी कर लिया सारा, देखो कितना मेकअप सारा छुपा के रखा था इसने। राजू पूछ गई है, उसको कॉल करके पूछा तेरा मेकअप कहाँ पे है, तो मिल गया। मैं बाल कर्ल कर रही थी और थोड़ा सा कांड हो गया, मैंने कर्लर यहाँ पे रखा था और ये बीच में से दवाई देखना कैसे निकल रही है। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, अभी तक निकल रही है, कब तक निकलती रहेगी मैं? तो मेकअप मेरा हो गया, मैंने खुद किया और थोड़े मैंने बाल कर्ल किए पर हुए नहीं, तो अभी मैं अनार खा रही हूँ। और वसु वाला कमरा बोले सुबान केसरी खा ले वाले, और वसु वाला कमरा डेकोरेट कर रही है पिछले 2-3 घंटे से, ना मेरे को बता रही है ना मेरे को आने दे रही है। काहे का बर्थडे? मैं तैयार हो के थक गई और वसु डेकोरेशन कर करके थक गई। अब हम दोनों यहाँ बैठ के अपना डिप्रेशन के साथ थोड़ी देर वक्त बिताएंगे, बर्थडे तो खत्म हो चुका है। दीदी चुप कर जाओ यार, चुप कर जाओ। तू कर क्या रही है उस कमरे में, मेरे को बस ये बता दे तू उस कमरे में कर क्या रही है, ऐसा क्या हो रहा है, कौन सी गोदाम खोद रही है, कहाँ से सोना निकालना है तूने, मेरे को बता क्या हो रहा है उस कमरे में। तू भाग यहाँ से, तू भाग, तूने वसु की कोई मदद नहीं की, तूने कुछ नहीं किया, तूने पूरा दिन मैच देखा। ये बेशरम लड़का है, इसने मैच देखा और बाहर बैठ के बस सोफे पे हंस रहा था, और वसु बिचारी अंदर काम कर रही थी, इतनी मेहनत की इसने, सारी मेहनत अकेली की। अब तेरे बर्थडे है ना कल, तेरे बर्थडे में हम केक नहीं काटेंगे, जा। जस्ट अभी मैंने देखा टेबल पे पार्सल पड़ा है, अमीर लोग अमीर शौक, और मेरे बर्थडे का दूसरा ड्रेस आ गया, मतलब मैंने सोचा था अगर ये नहीं पहनूंगी तो ये पहनूंगी। कैसा है? बहुत अच्छा। ये पहनूं या ये पहनूं? ये कल तेरे बर्थडे में पहनूं? हाँ ठीक। यार अब मेरे मेकअप को रेटिंग दो यार, देखो यार खुद से मैंने किया, राजी ने बस बोला था कि आंखों के ऊपर ब्लू ब्लू लगाना क्योंकि ड्रेस ब्लू है, तो आप देखो यार मेरे मेकअप में कितनी तब्दीली आ गई है, और तारीफ करना थोड़ी। तो मेरे को लग रहा था कि मम्मा मेरे बर्थडे पे आके मेरे को सरप्राइज देंगे, मैं मम्मा को काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ कि इधर आओ, आई नीड यू, पर मम्मा नहीं आए, बस मेरा बर्थडे ख़राब हो गया। बस मैं बस चाहती थी कि मम्मा आए मेरे बर्थडे पे, और
मेरे थोड़ी देर साथ रहे और मेरा ख्याल रखे क्योंकि मैं ठीक नहीं थोड़ी। मैं खुश हो रहा, मेरे को लगा मम्मा सरप्राइज देंगे। सो जाती हूँ, मम्मा मेरे को समझते ही नहीं। बस डेकोरेशन अभी तक हुई नहीं है और मेरे को नींद आ रही है और मैं सो नहीं। तो गाइस फाइनली मेरी डेकोरेशन अब जाके कंप्लीट हुई है, रात के 9 बज चुके हैं। बहुत गलत बात है पर चलो। ये हमारी डेकोरेशन, तो यहाँ पे देख सकते हो आप काफी कुछ है। और ईशु दीदी सो गए तो उनको जगा के लाते हैं, वो कोको भी बैठा हुआ है। ईशु दीदी सुनो मेरी बात, सिर्फ 10 मिनट के लिए उस कमरे में चल लो, वापिस सो जाना आके। त्यार श्यार होके सोयो। कैमरा सेटअप करती हूँ आप आओ। ओके ये लो, आप अपना ब्लॉग बनाते बनाते हम कैमरा सेटअप कर रहे हैं। तो बर्थडे पार्टी की थीम है पर्पल, ठीक है, पर्पल एस्थेटिक। और मैं भी पर्पल बन गई हूँ क्योंकि डेकोरेशन के साथ मैं भी डेकोरेशन बनना चाहती हूँ। और मेरे को बहुत दुख लग रहा है कि लेट हो गया, दीदी चाहते थे जल्दी जल्दी हो, पर चलो कोई बात नहीं, बस उनको पसंद आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। प्रिंस वहाँ पे कैमरा सेटअप कर रहा है वीडियो के लिए। मैं हूँ चौकस लगाई, चौकस लगाई मैं। मेकअप देखो मैम का कितना छुआ। तो हो गया सारा डन, ईशु दीदी को बुलाते हैं। ईशु दीदी आ जाओ, आओ ना, आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे ईशु दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कैसा लगा, पक्का ठीक है? वाह, रुक जाओ अभी मत खोलना, अभी नहीं खोलना, अभी ऐसे रखो खराब हो जाएगा अंदर से। वो वाला प्रिंस की तरफ से, तुम्हारा मैंने पॉलिथीन चेंज कर दिया। अच्छा, ये वाला राघव भैया की तरफ से, वो वाला प्रिंस की तरफ से, बाकी सब मेरी तरफ से। ओह ज्यादा कब किया ये सब इन वन डे? वो वाला, ये वाले फ्लावर्स मेरी तरफ से नहीं, ये आपकी उसकी मैनेजिंग टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच चोपड़ा एफएक्स। ये क्या लाया? चाकू लाया जी, केक वाला। तेरे हाथ में सोने का लोटा पकड़ाएंगे ना, तो भी तूने भीख ही मांगनी है, ठीक है? बिग बॉस इसको घर से बाहर फेंको, उठा के निकालो यार। दीदी देखो मैंने आपके आउटफिट के साथ सब मैच किया हुआ, और आपकी नेल पॉलिश के साथ भी, इसलिए मैं कल खुश होगी जब आप पर्पल नेल पॉलिश लगा रहे थे, क्योंकि पर्पल थीम है ना, बल्ब भी पर्पल एस्थेटिक रखा है हमने। ये वाला बॉक्स ब्राउन एस्थेटिक, ये भी ब्राउन एस्थेटिक, ये पर्पल एस्थेटिक है, और वो वाला मतलब नॉर्मल नॉर्मल है। चलो काटूं। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे ईशु दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये हाँ पहले कुत्ता सुनगेगा। खा के देखो नमक ठीक है, मीठा ठीक है कि नहीं, कैसा? बहुत अच्छा है। लाइन पर लग जाओ नल्लो। नहीं पूरा खाते होते हैं। मैंने टी शर्ट भी पर्पल पहन ली, पर्पल एस्थेटिक पूरा। नेक्स्ट नल्ला। थैंक यू। जिसने कोई काम किया है वो किया पूरा काम। मतलब पहली बार कोई केक खाया यार, जैसे देख के लगता है ना स्वाद होगा। हाँ चलो 3 2 1। ये क्या भाई, क्या हुआ? ये थोड़ी मेरी तरफ करना था ना। क्या मर गया तू हैं? जिम जा के बॉडी बना के हैं, दोनों मर दो मलाता दीदी। मुझे आशीर्वाद दो बर्थडे में कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं। चल भाग यहाँ से। मुझे भी आशीर्वाद दो कि मैं हमेशा आपकी नौकर बनी रहूं। ये क्या है? ये आशीर्वाद तुम मुझे जो दोगी यार। वाओ क्यूट है ना, बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस है, वेरी गुड। वाओ ये प्रिंस की चॉइस है। हाँ। क्या यार अभी ये मेरा वाला है, मेरा खोल लो। टॉप कहाँ से लाई तूने? कैसी है? चुन चुन के लाई है मैंने। कहाँ से लाई? क्या बात है, फ्रेंड मार्केट से। क्यूट वेरी 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 क्यूट। हाँ अब कौन सा बॉक्स खोलना चाहोगे? देखो ब्राउन एस्थेटिक वाला या फिर ब्राउन एस्थेटिक वाला, वो खोल दो। ये? हाँ ये हमारा ब्राउन एस्थेटिक बॉक्स है, ठीक है। क्या करना है इसको खोलना? नहीं 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 बस नीचे से नॉर्मली जो बॉक्स खोलते हैं। ठीक है ठीक है, बाप को मत सिखा। अच्छा बहुत अच्छा है। सॉक्स में हर बर्थडे गिफ्ट में देती हूँ दीदी को, बस ये लास्ट चीज है। वाह क्यूट है ना, वाओ नाइस। इस सूट, इस ड्रेस का कितना प्रीटी लग रहा है। ये हमारा पर्पल एस्थेटिक है। ओ भाई साहब ये सबसे अच्छा लगा मेरे को। ये कहाँ पे लगाऊं? हाथों पे कलाइयों पे। ओ वाओ कितना सही लग रहा है, देखो नाइस। ओ भाई साहब अब तो आप और ज्यादा डबल ट्रिपल एस्थेटिक लग रहे हो। ओ तू पैसा लाया? नहीं लाया, नहीं लाया। फिर नहीं हो सकता। तू समझा? नहीं तू नहीं समझा, तू रहने दे। ये टॉप छोटी सी पर्पल,
वाओ पर्पल कलर। हाँ देखो मैंने पर्पल इसलिए डिजाइन किया क्योंकि पर्पल आपका आजकल रिसेंटली फेवरेट हुआ है ना, और ब्राउन आपका हमेशा से फेवरेट है, तो ब्राउन बॉक्सेस तो बनाने ही थे। और जुराबे एज यूजुअल, जुराबों की आपको कमी पड़ती है ना, इसलिए कमी पड़ती है जुराबों की। ये कहाँ से लाई? क्यूट है ना? कहाँ से लाई है? ये लाई थी, बता नहीं सकते शॉप। और बस ये लास्ट, ये छोटे छोटे नेकलेस, क्यूट है ना? ये आप डायरी लिख सकते हो इसमें, मुझे बहुत क्यूट लगी इसलिए मैंने ले ली। वाओ यार कितनी क्यूट है ये, है ना? वाओ बस अब आप ओवर ओवर कर, सिंपल सी डायरी को वाओ वाओ कर रहे हो यार, बहुत सही है। चलो हो गया ना ये सारा बॉक्स? हो गया। मतलब ये सारे गिफ्ट मुझे एक बंदे ने दिए, मानोगे आप? ताकि मुझे स्पेशल फील हो। चलो खोलो। लड़की पैसे कहाँ से लाए तूने? पैसे कुछ खर्च नहीं हुआ, ये पढ़ो तो। हैप्पी बर्थडे दीदी, ब्राउन एस्थेटिक गिफ्ट आपके लिए। आई नो ये बैग महंगा नहीं है, पर ब्राउन एस्थेटिक में जरूर आता है। बड़े बड़े गिफ्ट तो नहीं है, पर मेरे दिल में आपके लिए प्यार बहुत बड़ा है। पूरी कोशिश की है एस्थेटिक बनाने की, उतना बना नहीं पर इतना एस्थेटिक है, उससे काम चला लेना। ही ही आई लव यू। Do I deserve to have a sister like you? Yes. Are you kidding me? आपने मेरे बर्थडे पे लिखा कि किया था, याद है? Do I deserve क्या होता है? Thank you so much. Happy birthday लिखा होगा इसमें भी। Happy birthday. बर्थडे आपका है और खुशी मुझे ज्यादा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका ये साल सब ठीक कर देगा। I just know that. और आप बेस्ट डिजर्व करते हो, बहुत सह लिया, अब ये साल खुशी लाएगा। आई लव यू दीदी, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट यू प्रोवाइड, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सन यू आर। बैग तो सस्ता है। अरे ये तो गुची की कॉपी है। गुची है? अरे वाओ यार अमीर लग रही हूँ, अच्छा लग रहा ना? है ना? लो जी गेस करो क्या होगा। ट्रक का स्टेयरिंग। रेम भी लग रहा है। लिखा हुआ है कुछ? मैं भी लिखता होता हूँ। मैं भी राइटर हूँ। टू कोको फ्रॉम गागो। रोना रोना ठीक है। दीदी बहुत एस्थेटिक, बहुत हो गया एस्थेटिक। अबे पर्पल ये भी। तो इसमें बैठ के मैं खाना खाऊंगी? 100 काम होते हैं इसमें बैठ के। कैसा लगा? हाँ बस अच्छा है ना, इसमें को तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। इसको और क्या बोलूं मैं, इसने कोई लेटर लिखा नहीं, इसने लिखा हुआ ना पीछे क्या? कुछ भी नहीं है। चल पागल बना रहे हो, किसको पागल बना रहे हो? अब वो लास्ट डब्बा भी खोल दो। चलो ये कुछ खास नहीं है, सिंपल है काफी। ओ ओ भाई साहब, बस ये सिंपल था। ये सिंपल है, कैसा लगा? ये लो फ्लावर्स आपकी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा ना? बस हो गए दीदी गिफ्ट खत्म। चलो जी जा चाय बना के ला। मैडम इसके बड़े फंक्शन हैं, इसके ऊपर हाथ रख के जो जो सोचोगे वो सच होगा। बेबी ब्रदर, बेबी ब्रदर, ब्राउन लिखा हुआ है? ब्राउन लिखा हुआ है। फेवरेट फेवरेट वसु, अब मेरे कमरे को सजा के ना ये सब सेट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है? ठीक, फिर मेरे को डिप्रेशन नहीं होगा। खुला नहीं, अब बेइज्जती नहीं कराना मेरी। पैसा लाया? नहीं। गूगल पे? हाँ गूगल पे है। गूगल पे कर जल्दी। करती हूँ सर। तू समझा? तू समझा? नहीं यार, इसको डायलॉग ही नहीं पता यार। रहन दो तू, रहन दो, तेरे ना हो पाएगा। नहीं तू ही समझा, तेरे से ना हो पाएगा, तू रहन दो। आज एक आंटी आई थी बाहर सब्सक्राइबर, उन्होंने अपना ब्लॉग बनाया और उन्होंने मेरे को ऐसे उठाया और पूरे बड़े बाजार में जलील किया। जलील नहीं किया मतलब, उनको अच्छा लगा मेरे को उठाना, पर बाहर सड़क पे। चलो कोई बात, थैंक्स आंटी, लव यू। अरे आज तो डर क्यों रहे? अरे लगता है किसी का बर्थडे था आज। किसका बर्थडे था? बर्थडे डेकोरेशन हो रखी है, फूल शूल पत्तियां। ये किसका बर्थडे लग रहा है? अरे नाक पे क्या लगा हुआ तेरे? केक खा के आया तू? हाँ खा के तो आया हूँ। किसका केक खा के आया है? बर्थडे का, किसी का बर्थडे है। चूं तेरी माँ का बर्थडे है, कसम खाया। मम्मा का बर्थडे है, मम्मा का है। विश किया? नहीं तो वो क्या होता है विश करना? बर्थडे मतलब आज के दिन आपकी मम्मा पैदा हुई थी। यहाँ पे पार्टी हुई है, समझ गया। किसी ने शराब पी है, समझ गया। अरे शराब किसने पी? चूं बेशरम। अरे चॉकलेट पड़ा है, समझ गया। ये टेबल आया पढ़ने के लिए, पर पढ़ता कोई आ नहीं। ये सब मिल रहे बेरोजगार, सब बेरोजगार है। कितना बड़ा हो गया, मम्मा का बर्थडे है। एक लिपि किसकी?
तो राघव बाहर बैठ के क्रिकेट देख रहा है और हम चाय पार्टी कर रहे हैं। चाय केक पार्टी गाइस, चेक करें गाइस, बहुत भयंकर पार्टी हो रही है। यहाँ पे महफिल लगी है और प्रिंस गाने बजा रहा है और हम एंजॉय कर रहे हैं, चाय पार्टी कर रहे हैं। कुछ साथ सामने बड़ी सी स्क्रीन होती और हम हॉरर मूवी देखते इस वक्त। दोस्तों 119 पे सात हो गए हैं 30 ओवर के बाद। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। बस सारे बोलेंगे बिली डंडा, इसने योगदान नहीं दिया इस गाने में। अरे देख रहे टैंक टैंक जोक मारा मैंने अभी। बोल दे भारत माता की, भारत माता की सारे बोलो कमेंट में जाए। खुद नहीं बोलेगा जो सारे बोलो कमेंट में। देखा छोटी छोटी बातें पढ़ने लग पड़ा। राघव का बर्थडे आ चुका है और हमने उसको विश नहीं किया। मैं अपने फोटो शूट में लगी हूँ और राघव बेचारा बाहर दुखी होकर बैठ चुका होगा शायद। यार एक दिन बाद पैदा हो जाता डायरेक्ट मेरे बात क्या आना हुआ। मेरा बर्थडे खत्म हो गया, राघव का बर्थडे शुरू हो गया और राघव का बर्थडे शुरू हुए 20 मिनट हो गए पर हमने अभी तक उसको विश नहीं किया, वो शायद दुखी हो गया। तो मेरी टीम ओपरा एफएक्स ने जो केक भेजा था राघव को, हम वही चेपेंगे। कल उसके लिए नया केक लेके आएंगे। जुगाड़ हो गया, लगा दे ये, लगा दे मेरा बर्थडे वाला सारा माल लगा दे। अरे अब किसका बर्थडे आ गया? अरे बोलो सो सोते क्यों नहीं हो? आ जाओ ऊपर आ जाओ। वसु की चप्पलें देखें गाइस, इधर देखें और इधर देखें। पहले ये देखो ना यार, वैसे मम्मा से ज्यादा प्यार करती है तुम्हें। बैठ के मोबाइल में चिपके तो नहीं हुए ना, मैच को नहीं देख रहे ना, एंजॉय कर रहे ना, एंजॉय कर रहे, रियल लाइफ को एंजॉय कर रहे।